नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। लाइट माइक्रोस्कोप को अपन कुछ हेडिंग्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, टाइप्स, प्रिंसिपल, पार्ट्स, वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड लास्ट में डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसको अपन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकली लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस विजिबल लाइट टू डिटेक्ट एंड मैग्नीफाई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड एनलार्जिंग दैम। तो लाइट माइक्रोस्कोप एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट और मैग्नीफाई करने के लिए विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है। दे यूजेस ग्लैंस टू फोकस लाइट ऑन द स्पेसिमेन मैग्नीफाइंग इट दस प्रोड्यूसिंग एन इमेज। तो लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट को स्पेसिमेन पे फोकस करने के लिए लेंसेज का यूज़ किया जाता है। ये लेंसेज ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं जिससे कि फाइनल इमेज का प्रोडक्शन होता है। माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन वेरीज ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एंड नंबर ऑफ लेंसेज। कोई भी माइक्रोस्कोप इमेज को कितना मैग्नीफाई कर पा रहा है ये डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप के लेंस लगे हुए हैं और कितने लेंस लगे हुए हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप एंड लास्ट में बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप। तो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस लगा हुआ होता है, इसी वजह से इसकी जो मैग्नीफिकेशन जो पावर होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी लो होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंसेज के दो सेट लगे हुए होते हैं, इसी वजह से इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है। मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप में एक आईपीस होता है और बाइनोक्यूलर जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर दो आईपीस लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। द लाइट माइक्रोस्कोप इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट विल पास थ्रू और अराउंड द थिन ऑब्जेक्ट सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड विद द लेंस फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज। तो लाइट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है? लाइट माइक्रोस्कोप इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि लाइट एक थिन ऑब्जेक्ट से पास होगी और पास होने के बाद में जो लेंसेज की हेल्प से मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स का क्या होते हैं? सबसे पहले है आई लेंस या फिर ऑक्यूलर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर लेंसेज, बीम ऑफ लाइट, स्पेसिमेन स्टेज एंड द डायफ्राम। एक लाइट माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम देखते हैं। ये लाइट माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम है। इसके अंदर आई पीस होता है, आर्म होती है, नोज पीस लगा हुआ होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, स्टेज होता है जिसके ऊपर अपन स्पेसिमेन को रखते हैं, डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या करता है? स्पेसिमेन तक पहुँचने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट होता है, लाइट सोर्स होता है और बेस होता है। तो एक लाइट माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन और मैग्नीफिकेशन होता है? सबसे पहला पॉइंट है लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आइदर एन इंटरनल और एक्सटर्नल लाइट सोर्स। तो सबसे पहले जो लाइट का सोर्स होगा या तो वो इंटरनल लाइट सोर्स होगा या फिर एक्सटर्नल लाइट का सोर्स होगा एंड पासिस थ्रू द डायफ्राम विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द स्पेसिमेन। सबसे पहले एक लाइट सोर्स होगा जो लाइट का प्रोडक्शन करेगा, फिर उसके बाद में लाइट डायफ्राम से पास होगी। डायफ्राम क्या करता है? स्पेसिमेन तक पहुंचने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है द लाइट देन पासेस थ्रू द कंडेंसर विच फोकस द लाइट ऑन टू द स्पेसिमेन। फिर उसके बाद में जो लाइट होगी वो कंडेंसर लेंस से पास होगी। कंडेंसर लेंस क्या करता है? लाइट को स्पेसिमेन पे फोकस करता है। नेक्स्ट है द स्लाइड इज़ हेल्ड ऑन द स्टेज एट 90 डिग्री टू द पाथ ऑफ लाइट विच नेक्स्ट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन होता है वो लाइट के पाथ पे 90 डिग्री पे प्लेस्ड होता है। जिस पाथ से लाइट क्रॉस करेगी वहाँ पे 90 डिग्री पे स्पेसिमेन प्लेस्ड होगा। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव लेंसेज मैग्नीफाई द इमेज ऑफ द स्पेसिमेन। जो लाइट होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करेगी और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। नेक्स्ट है फाइनली लाइट पासेस थ्रू द आईपीस लेंस और ऑक्यूलर लेंस। फिर उसके बाद में लास्ट में जो लाइट होगी वो ऑक्यूलर लेंस या फिर आईपीस लेंस से पास होगी और उसके बाद में अपन उसका विजुअलाइजेशन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप।
ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेनिंग एंड लाइट माइक्रोस्कोपी कैन अलाउ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। अपन किसी भी स्पेसिमेन की स्टेनिंग करेंगे और फिर उसके बाद में लाइट माइक्रोस्कोप से उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में। नेक्स्ट है, लाइट माइक्रोस्कोपी प्ले ए लार्ज पार्ट इन टूडेज़ बायोलॉजी। ये आजकल जो बायोलॉजिकली जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर लाइट माइक्रोस्कोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व रियल टाइम मूवमेंट इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपन सेल्स का और ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट भी आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एडवांटेजेस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट है, रिलेटिवली ईजी टू यूज़। लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। स्मॉल एंड लाइट वेट, साइज़ में छोटा होता है और ज़्यादा वेट भी नहीं होता है। थर्ड है, इट ऑफर्स हाई लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशनल क्वालिटी। ये अच्छी तरह से अपन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके और क्वालिटी जो होती है इमेजेस की वो बहुत अच्छी होती है। इट इज़ अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप था उसके अंदर जो इमेज थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टिव हो रही थी, लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, डू नॉट रिक्वायर रेडिएशन टू ऑपरेट। इसके अंदर रेडिएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है, रिक्वायर वेरी लिटिल ट्रेनिंग। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप को अपन ईजिली लैब के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अलाउ टू ऑब्जर्व लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। हैव माइनर मेंटेनेंस कॉस्ट कंपेयर टू अदर मॉडल्स। इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। नेक्स्ट है, फुली एडजस्टेबल टू द कम्फर्ट लेवल ऑफ द यूज़र। अपन इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्ट देखते हैं अपन डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट है, हैव लोअर रिजोल्यूशन पावर। इसकी रिजोल्यूशन पावर होती है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लो होती है। नेक्स्ट है, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू व्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स। जो लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपन इंटरनल स्ट्रक्चर्स का स्टडी नहीं कर पाते हैं। कैन नॉट ऑपरेट इन डार्कनेस। डार्कनेस में इसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कैन नॉट प्रोवाइड 3D रेंडरिंग्स। 3D स्ट्रक्चर्स भी अपन को ये प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये था लाइट माइक्रोस्कोप। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।